Hello students, so today we are starting a new chapter, Microbe Human Welfare chapter. Kaun sa? Microbes in Human Welfare. So actually ye chapter bahut hi aasan hone wala hai aapke liye, Microbe Human Welfare. ना बहुत आसानी से हम पढ़ेंगे इसको. इजी चैप्टर है ये माइक्रोब ह्यूमन वेलफेयर. लेट अस बिगिन द चैप्टर. ओके, एग्जाम में अगर हम नीट की बात करेंगे तो एटलीस्ट फ्रॉम दिस चैप्टर, माइक्रोब ह्यूमन वेलफेयर चैप्टर से 2 क्वेश्चन तो होते हैं मिनिमम. सिंपल एक स्मॉल चैप्टर है माइक्रोब ह्यूमन वेलफेयर. लेट अस बिगिन. तो सबसे पहले माइक्रोब, माइक्रोब मीन्स वॉट? Microbes also called microorganism. It include bacteria, protozoa, okay, blue green algae, fungi, they are also microorganisms. ये microorganism है, ठीक है. कहाँ मिलेंगे microorganism? Occur everywhere, occur everywhere. एवरीवेयर के लिए मैं आपको बोलूंगा एक वर्ड, कॉस्मोपॉलिटन भी बोल सकते हैं आप. हर जगह मिलने वाला कॉस्मोपॉलिटन, आल्सो कॉल्ड यूबीक्विटस. हर जगह मिलने वाले यूबीक्विटस. ओके, कहां मिलेंगे हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें? देर आर सम एग्जांपल्स वेयर वी फाइंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट इन deep sea. Deep sea also have microbes. Himalaya, Himalayan ice also have microbe. And even deep sea hydrothermal vents where water is naturally boiling, there also microbes are present. So, माइक्रोब हर जगह मिलने वाले हैं. हाइड्रोथर्मल वेंट्स इन ओशंस, दे आर ऑल्सो कॉल्ड नेचुरल गीजर्स. नेचुरल गीजर्स जहां पे वाटर बॉयल होते रहता है, नेचुरल गीजर बोलेंगे उसको. नेचुरली वाटर इज बॉइलिंग इन सम प्लेसेस ऑफ द ओशन. Those are called natural geysers, and they may have as temperature as high as, temperature may be high 100 degree Celsius भी temperature हो सकता है वहां पे. Water is boiling मतलब 100 degree Celsius हो सकता है. And there are some microbes found in acidic environment also. Found in acidic environment also. Can you name the microorganism found in acidic environment? Acidic environment में रहने वाले thermoacidophiles. Acidophiles मतलब acid में रहने वाले microbes. Thermoacidophiles. Virus, viroids, prions, also microbes, are also microbes. ठीक है, चलिए इसमें किसमें डाउट है आपको? वायरस, वायरॉइड, प्रायंस. वायरस मीन्स विच इज न्यूक्लियो प्रोटीन. न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन रहा तो वायरस. वट इज वायरस? वी विल राइट हियर. वायरस मतलब न्यूक्लियो प्रोटीन. वायरस का मतलब होगा न्यूक्लियो प्रोटीन. वायरॉइड का मतलब ओनली आरएनए. वायरस इज इक्वल टू न्यूक्लियो प्रोटीन. न्यूक्लियो प्रोटीन मतलब एनी वन न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन. एनी वन न्यूक्लिक एसिड, कोई एक न्यूक्लिक एसिड रहेगा या तो डीएनए या तो आरएनए प्लस प्रोटीन कंपलसरी. दिस इज वायरस.
What is viroid? RNA infectious particle. RNA infectious particle. सिर्फ और सिर्फ RNA से बना हुआ है तो हम बोलेंगे RNA infectious particle viroid. What is prion? Proteinaceous. Proteinaceous infectious particle. जो प्रोटीन से बना हुआ है प्रोटीनेशियस इंफेक्शियस पार्टिकल. जो आरएनए से बना हुआ है आरएनए इंफेक्शियस पार्टिकल वायरॉइड. प्रोटीनेशियस इंफेक्शियस पार्टिकल प्रायन. वायरस क्या है? न्यूक्लियो प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, एनी वन न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन, वो वायरस हो जाएगा. दे आर ऑल्सो माइक्रोब. सो माइक्रोब इज ए डाइवर्स ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स. सो दैट्स वाई देयर फोर वी हैव टू से therefore microbes are diverse group of organisms, diverse group of organisms. Diverse matlab different kinds, bahut sare diverse different types, like protozoa bhi aa rahe hain isme, bacteria bhi aa rahe hain, virus bhi aa raha hai, viroid bhi aa rahe hain. Okay, one more term for स्टूडेंट्स, वायरियन क्या होते हैं? वायरियन, वायरियन, वायरस अलग, वायरॉइड अलग, प्रायन अलग, वायरियन अलग. फिर वायरियन क्या होता है? इनर्ट, इनर्ट मतलब इनएक्टिव, इनर्ट वायरस पार्टिकल्स, इनर्ट वायरस पार्टिकल आउटसाइड द होस्ट सेल. Outside the host cell. When viruses are outside the host cell, that time they are called inert. Inert मतलब inactive हो जाएंगे ये. ठीक है? Virus are, if they are outside the host cell, that time they are called virion. They are inactive. Inactive रहते हैं. Next. Bacteria, fungi, bacteria and fungi can be grown on artificial culture medium. Bacteria और fungus को हम grow कर सकते हैं on artificial culture medium. याद रखना, बहुत important point है. Bacteria को हम grow करके देख सकते हैं artificial culture medium में, fungus को भी grow कर सकते हैं, लेकिन वायरसेस कैनॉट बी ग्रोन ऑन आर्टिफिशियल कल्चर मीडियम, ऑन आर्टिफिशियल कल्चर मीडियम. वायरस को आप ग्रो नहीं कर सकते आर्टिफिशियल कल्चर मीडियम में, बैक्टीरिया को ग्रो कर सकते हैं. Even there is an image in NCERT, एक इमेज भी है NCERT में, एक ऐसा कल्चर प्लेट है. This is one कल्चर प्लेट, this is another कल्चर प्लेट. In this कल्चर प्लेट bacterial colonies can be seen. Bacteria ऐसे दिखने लगते हैं, bacteria के colonies छोटे छोटे. One colony may have thousands of bacteria. एक ऐसा round जो दिख रहा है ना, इसमें बहुत सारे thousands of bacteria हैं. Bacterial colonies बोलेंगे इनको हम. Colonies in petri dish. Petri dish बोल के होती है, glass से बनी होती है. On that microorganisms are growing. Bacteria can be grown. Fungus की colony एक large ऐसा दिखता है. Fungus colony. In petri dish. So final our conclusion, bacteria can be grown, fungus can be grown on artificial culture medium and their colonies can be seen. आप बोलते हैं नहीं सर हम तो बैक्टीरिया नहीं देख सकते ना, बैक्टीरिया नहीं देख सकते, बिल्कुल सही है. बैक्टीरिया cannot be seen with naked eyes, we need microscope, बिल्कुल सही है.
बट हियर कॉलोनीज कैन बी सीन, कॉलोनी देख सकते हैं बैक्टीरिया की, कॉलोनीज कैन बी सीन विथ नेकेड आईज विदाउट माइक्रोस्कोप. एक एक कॉलोनी में बता रहा हूं ना, वन पिन हेड, पिन का हेड कितना होता है छोटा सा, उतने पिन हेड कॉलोनीज में थाउजेंड्स ऑफ बैक्टीरिया होते हैं. Bacterial colonies can be seen, fungus colonies can be seen, and they can be grown on artificial culture medium, can be grown on artificial culture medium. Jabki virus cannot be grown. Virus ko grow nahi kiya ja sakta artificial culture medium mein. This is very, very IMP. Okay? Ye note karna hai sab log. Ye draw bhi kar lena hai. Draw it. अगर आप बैक्टीरिया देखना चाहते हैं, बैक्टीरिया कैन बी सीन, बैक्टीरिया कैन बी सीन इन माइक्रोस्कोप having 1500 magnification. कितना magnification चाहिए? 1500x. 1500x. What is x? x का मतलब है magnification. मतलब ये हुआ 1500 times you have to enlarge the size of bacteria, that time it can be seen. 1500 times magnification power microscope mein dekh sakte hain. Microscope kya karta hai? Tiny object can be enlarged and can be seen. So 1500 times 1500x, that is. Theek hai? Next, वायरस अगर आप देखना चाह रहे हैं, बैक्टीरिया विथ फ्लैजेला, इफ यू वांट टू सी ए बैक्टीरिया विथ फ्लैजेला, बैक्टीरिया विथ फ्लैजेला देखना चाह रहे हैं, इतने ये 1500x में क्या देख सकते हैं आप? बेसिलस एंड कोकाई कैन बी सीन. व्हाट इज बेसिलस? रॉड शेप, रॉड शेप बैक्टीरिया. कोकाई स्फेरिकल शेप बैक्टीरिया है ना. अगर बैक्टीरिया रॉड शेप है तो बेसिलस बोलो, और राउंड शेप है, स्फेरिकल है, तो कोकाई बैक्टीरिया बोलो, कोकाई या कोक्कस, सिंगुलर में कोक्कस बोलेंगे. और अगर आपको बैक्टीरिया देखना चाह रहे हैं, बैक्टीरिया विथ फ्लैजेला, ए बैक्टीरिया विथ फ्लैजेला, with flagella can be seen, can be seen it at 15,000 magnification. Kitna? 50,000 magnification. Jaisa ye bacteria hai aur ye bacteria ke flagella hai, like this, these are the flagella. With the help of flagella, bacteria is doing locomotion. So if you want to see just bacillus bacteria or cocci bacteria, you need magnification of 1500 times. 1500 times. Aur agar bacteria dekhna cha rahe hain with flagella, bacteria ke flagella bhi dekhna cha rahe hain, to aapko magnification aur badhana padega. You should have a very high power microscope, that is 50,000 magnification rehna chahiye. Okay? So after seeing bacteria with flagella, if you want to see a bacteria with flagella, you require magnification of 50,000x. Agar virus dekhna hai to kitna magnification lagega? If you want to see virus, viruses are smaller than bacteria. Okay, bahut hi chote hote hain virus. So if you want to see virus, we require magnification. What type of magnification? Kitna lagega? 1 lakh to 1 lakh 50,000 magnification.
virus require 1 lakh to 1 lakh 50,000 magnification. For seeing virus. Bacteria जो दिख रहा है आपको 1500x पर दिख जा रहा है और डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ द बैक्टीरिया बैक्टीरिया विद फ्लैजेला कैन बी सीन एट 50,000 मैग्निफिकेशन वेयर एज वायरस रिक्वायर वायरस को कितना मैग्निफिकेशन चाहिए 1 lakh to 1 lakh 50,000 मैग्निफिकेशन पावर चाहिए. वायरस कैन बी रॉड शेप वायरस जैसे टोबैको मोजाइक वायरस फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं ना टोबैको मोजाइक वायरस होता है रॉड शेप या नहीं तो टैडपोल शेप वायरस भी होता है टैडपोल शेप वायरस आपको मिलेगा. देखिए बैक्टीरियोफेज इज टैडपोल शेप वायरस. अनदर वायरस एडीनो वायरस बोल के एक होता है एडीनो वायरसेस बोल के होते हैं विच कॉजेस रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन. एडीनो वायरसेस कॉजेस रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन. सो एक बैक्टीरियोफेज का डायग्राम दिया हुआ है इधर वायरस. What is bacteriophage? Bacteriophage means virus which attack bacteria. What is bacteriophage? Virus which attack bacteria. जो bacteria को attack करते हैं वो bacteriophage हैं. चलो अब हम जो है जरा bacteriophage का diagram बनाएंगे. Let us see the diagram of bacteriophage. So bacteriophage is a virus which attack bacteria. They are having shape like this. They walk on the bacterial cell surface, get attached to the bacterial cell surface and inject their DNA into the bacteria. Aur ye pura rahega head. हेड है ये कॉलर है. देन दिस इज कॉन्ट्रैक्टाइल शीथ बोलते हैं इसको हम. कॉन्ट्रैक्टाइल शीथ दैट मीन्स प्रोटीनेशियस कवर. कॉन्ट्रैक्टाइल शीथ बोले इसको हम. दीज आर प्रॉन्ग्स. ये प्रॉन्ग्स हैं टेल फाइबर्स. And these are the pins by which they attach to the bacterial cell. This is the structure of bacteriophage. Ye raha bacteriophage. Bacterio means bacteria. Phage means eating. Bacteria eating viruses hain ye. Phage matlab eating. So it infects bacteria. Ye this diagram even given in first year book also. थोड़े से लेबलिंग फर्स्ट ईयर की बुक में और सेकेंड ईयर की बुक में अलग थे इसलिए मैं इसको ड्रॉ करके दिया हूं आपको. प्रॉन्ग्स सेकेंड ईयर के बुक में लिखा है फर्स्ट ईयर के बुक में टेल फाइबर्स लिखा है. ओके बोथ आर करेक्ट. और एक स्ट्रक्चर है बेंजीन के वैसा जो है स्ट्रक्चर है एक वायरस का. और ये वायरस जो है इसका नाम क्या है बताइए. अगर इस टाइप का डायग्राम दिया है एग्जाम में सो व्हाट यू कॉल दिस टाइप ऑफ वायरस. इफ वायरस इज लुकिंग लाइक दिस देन यू शुड कॉल इट एज एडीनो वायरस. एडीनो वायरस क्या करता है बताइए. एडीनो वायरस
causes respiratory infections. Respiratory infection करने वाला adenovirus है. So final conclusion is bacteria and fungi can be grown in artificial culture medium. Viruses cannot be grown on artificial culture medium. Virus को grow नहीं कर सकते हम artificial culture medium में, लेकिन bacteria को grow कर सकते हैं, fungus को grow कर सकते हैं. So what is required to grow viruses in culture, in culturing virus, what is required? For culturing virus, we require living host tissues or living host body is required. अगर कोई virus grow करना है तो tissue चाहिए, उसके अंदर ही virus grow हो सकते हैं, वो भी living tissue, not a dead tissue. Because virus is not having cell, viruses are acellular, they are not having cellular organization. They use a host cell completely for synthesizing, for replication, for reproduction. Viruses uses the host cell. ठीक है, ये याद रख के चलेंगे. Now let us see some of the common microbes that are very very useful for mankind. उनके मैं कुछ लिस्ट देने वाला हूँ, वो माइक्रोब के नाम याद करना है आपको. This is first part, introduction part, microorganism, where microorganisms are present. Microorganisms are diverse group. It include virus, viroids, prion, है ना, bacteria, fungi, ये सब देखे. अब मैं एक general एक बताने वाला हूँ कौन से microbe हमारे daily life में बहुत काम आने वाले हैं. सबसे पहले बैक्टीरिया विच कन्वर्ट मिल्क इनटू कर्ड, विच कन्वर्ट मिल्क इनटू कर्ड. व्हाट इज द नेम? LAB बोलते हैं. LAB का मतलब लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया. व्हाट इज LAB? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया बोलो, या नहीं तो आप इसको लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया भी बोल सकते हैं, लैक्टोबैसिलस भी बोल सकते हैं. ओके, चलिए नेक्स्ट. सेकंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, व्हाट इज बेकर्स ईस्ट? बेकर्स ईस्ट क्या है? बेकर्स इज यूज फॉर मेकिंग ब्रेड, केक्स, ब्रेड और केक्स बनाने के लिए यूज होता है. इसका नाम है सैक्रोमाइसिस, सैक्रोमाइसिस सर्वेसिया, याद रखना है, सैक्रोमाइसिस सर्वेसिया, बेकर्स ईस्ट बोल रहे हैं इनको हम. ओके, नेक्स्ट, पेंसिलिन एंटीबायोटिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पेंसिलिन एंटीबायोटिक ऑब्टेन्ड फ्रॉम, obtained from fungus, which fungus? Penicillium notatum, Penicillium notatum. मैं आपको ये लिस्ट दे रहा हूं, आप याद करना है, ठीक है? नो, लिस्ट दे रहा हूं मैं, फर्स्ट बैक्टीरिया दैट वी कम अक्रॉस इन आवर डेली लाइफ फॉर कन्वर्शन ऑफ मिल्क इन टू कर्ड, जो मिल्क से कर्ड बना रहा है, उसका नाम है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, also called lactobacillus bacteria. और यहां पे जो बेकर्स ईस्ट है, बेकर्स ईस्ट किसको बोल रहे हैं हम? सैक्रोमाइसिस सर्वेसिया को बोल रहे हैं, सैक्रोमाइसिस सर्वेसिया. और जो पेंसिलिन एंटीबायोटिक है, पेंसिलिन एंटीबायोटिक है, वो कौन बना रहे हैं? फंगस पेनिसिलियम नोटैटम बना रहा है पेंसिलिन एंटीबायोटिक. एस्परजिल्लस नाइगर बोल के एक फंगस है, एस्परजिल्लस नाइगर, एस्परजिल्लस नाइगर. थोड़ा सा चैप्टर में जो कॉम्प्लिकेशन है, दैट इज रिमेंबरिंग द माइक्रो ऑर्गेनिज्म नेम, एस्परजिल्लस नाइगर फंगस, एस्परजिल्लस नाइगर फंगस प्रोड्यूसेस ऑर्गेनिक एसिड, सिट्रिक एसिड बनता है इससे, सिट्रिक एसिड. So as I told, chapter name microbe in human welfare, definitely तो microbe ही पढ़ेंगे ना हम, microorganisms पढ़ेंगे. Next और एक है acetobacter aceti, acetobacter aceti, it is a bacteria
एक बैक्टीरिया है, एस्परजिलस नाइगर क्या था, फंगस था, एसिटोबैक्टर एसिटाई क्या है, बैक्टीरिया है, प्रोड्यूसेस एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड आल्सो कॉल्ड विनेगर। अब आप बोलेंगे ये सिट्रिक एसिड एसिटिक एसिड हम कहां यूज कर रहे हैं, सिट्रिक एसिड एसिटिक एसिड दे आर यूज्ड एज फूड प्रिजर्वेटिव्स, है ना, बहुत सारे फूड जो प्रिजर्व करके रखते हैं कैंस के अंदर फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, 1 month, 2 month, 6 month तक। सो सच फूड प्रिजर्व्ड फूड मटेरियल्स दे आर हैविंग ऑर्गेनिक एसिड्स यूज्ड इन फूड प्रिजर्वेशन, यूज्ड इन फूड प्रिजर्वेशन बोलना है, फूड प्रिजर्वेशन में यूज करते हैं। नेक्स्ट जरा सा मुश्किल होगा आपको नाम याद रखने में, लेकिन याद करना पड़ेगा। अब जैसे बेकर्स ईस्ट का नाम क्या बताया मैं आपको, साक्रोमाइसी सर्वेसिया ईस्ट तो बहुत बार सुने होंगे, लेकिन साइंटिफिक नेम याद रखना जरूरी है। बेकरीज में ब्रेड केक्स बनाने में जो ईस्ट यूज होती है उसका नाम क्या है, सैक्रोमाइसिस सर्वेसिया, सैक्रोमाइसिस सर्वेसिया। और एक है कोलेस्ट्रीडियम, कोलेस्ट्रीडियम बॉट्यूलिनम, कोलेस्ट्रीडियम बॉट्यूलिनम, इट कॉजेस फूड पॉइजनिंग, कॉजेस फूड पॉइजनिंग, फूड पॉइजनिंग, और ज्यादा वोमिटिंग हो रहे हैं या डिहाइड्रेशन हो रहा है, लूज मोशंस हो रहे हैं, तो ये फूड पॉइजनिंग है। फूड पॉइजनिंग को हम वर्ड यूज करते हैं बॉट्यूलिज्म, क्या वर्ड यूज हो रहा है, बॉट्यूलिज्म, इट इज कोलेस्ट्रीडियम बॉट्यूलिनम, कोलेस्ट्रीडियम बॉट्यूलिनम है। और एक होता है कोलेस्ट्रीडियम ब्यूटालिकम, और एक होता है कोलेस्ट्रीडियम टिटानी, तीन आते हैं कोलेस्ट्रीडियम में, कोलेस्ट्रीडियम टिटानी कॉजेस टिटनेस, टिटनेस बोल के एक डिजीज है, टिटनेस बोल के डिजीज है, कॉजेस टिटनेस डिजीज। और एक होता है कोलेस्ट्रीडियम ब्यूटालिकम, ब्यूटालिकम, सो कोलेस्ट्रीडियम ब्यूटालिकम क्या है, प्रोड्यूसेस ब्यूटेरिक एसिड, प्रोड्यूसेस ब्यूटेरिक एसिड, ठीक है, कोलेस्ट्रीडियम ब्यूटालिकम प्रोड्यूसेस ब्यूटेरिक एसिड, तो हम बोलेंगे ये डेंजर है, ये हार्मफुल है, दिस इज आल्सो हार्मफुल बट दिस इज यूजफुल, समझे, कोलेस्ट्रीडियम बॉट्यूलिनम इज हार्मफुल, इट इज अ हार्मफुल बैक्टीरिया, कोलेस्ट्रीडियम टिटानी इज हार्मफुल बैक्टीरिया, लेकिन कोलेस्ट्रीडियम ब्यूटालिकम इज यूजफुल बैक्टीरिया विच प्रोड्यूसेस ब्यूटेरिक एसिड। तो ऐसा है, कुछ बैक्टीरिया यूजफुल भी होते हैं, कुछ बैक्टीरिया हार्मफुल भी होते हैं। चलिए नेक्स्ट, इन द प्रेजेंट चैप्टर माइक्रोब ह्यूमन वेलफेयर चैप्टर वी आर हैविंग व्हाट आर द हेडिंग्स, लेट अस सी क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम ये चैप्टर में। फर्स्ट हेडिंग इन द प्रेजेंट चैप्टर इज माइक्रोब्स इन हाउसहोल्ड प्रोडक्ट्स, माइक्रोब्स इन हाउसहोल्ड, हाउसहोल्ड प्रोडक्ट्स मतलब जितने भी होममेड प्रोडक्ट्स हैं, इन दैट व्हाट काइंड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म वी आर यूजिंग, फॉर एग्जाम्पल इन कर्ड मेकिंग, इन एसिटिक एसिड मेकिंग, है ना, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज हो रहे हैं, माइक्रोब इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट आय कहता है। नेक्स्ट, माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, दैट विल बी आवर सेकेंड टॉपिक,
पहले हम नेक्स्ट क्लास में जो है माइक्रोबिन हाउस होल्ड प्रोडक्ट बनाएंगे, पूरी एक लिस्ट बनाएंगे, व्हाट आर द हाउस होल्ड प्रोडक्ट इन दैट वी आर यूजिंग, व्हाट काइंड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, देयर नेम. माइक्रोबिन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, कई इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट हैं, जैसे इंडस्ट्रीज में अल्कोहल बनाया जा रहा है उसमें भी माइक्रोब यूज हो रहे हैं, एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस करने में माइक्रोब यूज हो रहे हैं, ऑर्गेनिक एसिड प्रोड्यूस करने में माइक्रोब यूज हो रहे हैं, सेवरल मेडिसिन्स आर ऑल्सो प्रोड्यूस बाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म. देन ऐसे ही और एक टॉपिक रहेगी ये चैप्टर में, माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट. सीवेज ट्रीटमेंट दिस विल बी थर्ड टॉपिक ये चैप्टर की. जो डेली सिटी वेस्ट वाटर होता है सीवेज बोलते हैं उसको, जितना भी आप किचन से वेस्ट निकल रहा है या ह्यूमन वेस्ट है, एक्सक्रीटा है, होटल वेस्ट है, दैट इज ऑल सीवेज. और ये सीवेज का ट्रीटमेंट कैसे करना है, बिकॉज बिफोर डिस्चार्जिंग द सीवेज इनटू द रिवर, बिफोर रिलीजिंग द सीवेज इनटू द रिवर, इट मस्ट बी प्रॉपरली ट्रीटेड, इट्स पैथोजन शुड बी रिमूव्ड. इसके लिए माइक्रोब को यूज करना पड़ेगा सीवेज ट्रीटमेंट में. ऐसे ही फोर्थ टॉपिक होगी, माइक्रोब्स इन बायोगैस प्रोडक्शन. बायोगैस प्रोडक्शन, बायोगैस इज ऑल्सो कॉल्ड गोबर गैस, एंड बायोगैस इज यूज फॉर कुकिंग पर्पस इन डोमेस्टिक एरियाज, कुकिंग पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, तो इसलिए बायोगैस प्रोडक्शन करना है, माइक्रोबिन बायोगैस प्रोडक्शन. और एक टॉपिक होगी माइक्रोब्स इन बायो कंट्रोल एजेंट. बायो कंट्रोल एजेंट दैट मीन्स nowadays our farmers, they are dependent on chemical insecticide, pesticide to kill the pathogens. But here bio control means, यहाँ पे हम कुछ techniques बताने वाले हैं जो biological methods हैं by which one can control the harmful insect pathogen population. That is microbin bio control agent. और एक होगी sixth topic, microbes in बायो फर्टिलाइजर्स. माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर लिख देंगे, माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर्स. कई ऐसे माइक्रोब्स हैं जो सॉइल की क्वालिटी को इंप्रूव करते हैं, विच इंक्रीजेस द फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी फ्रॉम द सॉइल, दैट इज कॉल्ड बायो फर्टिलाइजर. दीज आर अवर टॉपिक्स, है ना, वन बाय वन ये चैप्टर में हम पढ़ने वाले टॉपिक्स हैं. सबसे पहली टॉपिक होगी माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट. कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं, हाउस होल्ड प्रोडक्ट हैं, जहां पे हम माइक्रोब यूज करते हैं. और ऐसे ही एक टॉपिक है माइक्रोब इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट. ये सारे क्लियर हो गए. बायो कंट्रोल क्या है बोलिए, बायो कंट्रोल का मतलब क्या होगा, यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू कंट्रोल harmful pest population, PEST, pest population, harmful pest population in agricultural lands, in agricultural lands. Agricultural lands में कई microorganism हम use करते हैं to control the pest population. And those techniques which are used in to control the pest population in agricultural lands, those are called bio control. Pest का मतलब क्या है, harmful insect, any harmful insect. Grasshopper आप पढ़े होंगे, locust बोलते हैं इसको, locust. Grasshopper first year में पढ़े ना, grasshopper in coming under the phylum arthropoda, locust है, it is a gregarious pest, it damages the crop. So उसको control करने का method क्या है, बायो फर्टिलाइजर क्या है यहाँ पे, बायो फर्टिलाइजर मीन्स विच इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ सॉइल, इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ सॉइल, सॉइल की क्वालिटी बढ़ाएगा, विच इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ सॉइल आर कॉल्ड बायो फर्टिलाइजर्स. और सीवेज क्या है, म्युनिसिपल वेस्ट वाटर, म्युनिसिपल वेस्ट वाटर है ये. क्लियर. बायोगैस क्या है, बायोगैस, बायोगैस इज ऑल्सो कॉल्ड गोबर गैस. बायोगैस में क्या होता है बोलिए,
बायोगैस मेनली कंटेन मीथेन CH4 मेनली कंटेन मीथेन बट ऑल्सो हैज CH4 कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन सल्फाइड भी होते हैं इसमें. व्हाट इज बायोगैस बोल दो. इट इज ए मिक्सचर ऑफ मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन सल्फाइड. एंड अगर क्वेश्चन आ जाए मेनली कंटेन्स बायोगैस में ज्यादातर क्या होता है मीथेन होता है. ज्यादातर मीथेन होता है लेकिन ये मिक्सचर है. किसका मिक्सचर है? मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड का मिक्सचर है. क्लियर है ना ये? एसटीपी बोल के कहता है. एसटीपी फुल फॉर्म है. एसटीपी क्या है? ये एसटीपी सी वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट बोलते हैं उसको. एसटीपी ये चैप्टर में आने वाले मेन मेन सारे हेडिंग्स लिखा दिया हूं और फुल फॉर्म लिखा रहा हूं. देखिए एसटीपी बोल के कहेगा चैप्टर में जब भी हम पढ़ेंगे सी वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट्स. So they are used for reducing the sewage or water purification में हम use करते हैं sewage treatment plants. ठीक है. और एक आएगा chapter में IARI, KVIC ये full form आने वाले हैं chapter में. मैं पहले full form दे दे रहा हूँ. What is IARI? Indian Agricultural Research Institute. इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट दिस इज IARI. व्हाट इज KVIC? यस मैम. वन व्हाट इज KVIC? खादी एंड विलेज. खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन. खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन है KVIC. एसटीपी क्या है? सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं. IARI क्या है? इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट. KVIC खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन. यहां पे पॉइंट लिखना है बायोगैस प्रोडक्शन. बायोगैस प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी. बायोगैस प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी गिवन बाय. सो हु हैज गिवन द टेक्नोलॉजी ऑफ बायोगैस प्रोडक्शन? बायोगैस प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी कौन दिए थे? IARI एंड KVIC. दे हैव गिवन द बायोगैस प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी. ठीक है, ये याद रखेंगे. IPM बोल के कहता है. IPM व्हाट इज IPM? इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट. पेस्ट मैनेजमेंट बोल के. इन दिस IPM प्रोग्राम फार्मर्स आर ट्रेन्ड. फार्मर्स को ट्रेनिंग दी जाती है हाउ टू यूज द बायो फर्टिलाइजर्स. तो चैप्टर में जितने भी फुल फॉर्म्स हैं वो दे दिया हूं मैं. अब्रीविएशंस हैं शॉर्ट जो भी. यहाँ पे STP है, IARI एब्रीवेटेड फॉर्म्स है. इनके फुल फॉर्म जरूर याद रखना एंड देयर पर्पस भी याद रखना है. सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स आर यूज फॉर वाटर प्यूरिफिकेशन. IARI एंड KVIC दे हैव गिवन द टेक्नोलॉजी फॉर बायोगैस प्रोडक्शन. एंड मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट दे स्टार्टेड गंगा एक्शन प्लान एंड यमुना एक्शन प्लान फॉर सीवेज ट्रीटमेंट. बताइए कौन कौन स्टार्ट किए? Ministry of Environment and Forest. Ministry of Environment and Forest started. What they started? Ganga Action Plan and Yamuna Action Plan. F
for sewage treatment to protect these national rivers. They are very important national rivers of India. So Ganga or Yamuna ko bachane ke liye, Ministry of Environment and Forest, they have started sewage treatment plants, so that before dumping any kind of sewage, their proper treatment should be carried out. Unka proper treatment hota hai, sewage ka proper treatment kiya jata hai before discharging into the river. तो ये सारे चीज़ें याद रखना है. देखिए आज के क्लास में हम ये इंट्रोडक्शन पार्ट किए कम्प्लीटली. पहले माइक्रोब ह्यूमन वेलफेयर इंट्रोडक्शन पार्ट करें हम. व्हाट इज माइक्रोब, माइक्रोब इंक्लूड व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स. प्रोटोजोआ भी माइक्रोब है. अलगे, फंगाई, ब्लू ग्रीन अलगे स्पेशली, दे आर माइक्रोब्स. ब्लू ग्रीन अलगे, नॉट हाइयर अलगे, ब्लू ग्रीन अलगे आर माइक्रोब्स ले रहा हूँ मैं. ब्लू ग्रीन अलगे लिखाया हूँ मैं. माइक्रोब इज इक्वल टू बैक्टीरिया, वायरस, वायरॉयड, प्रायन, ब्लू ग्रीन अलगे, बीजीए लिखे हैं देखिए. एंड माइक्रोब के देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप यूज करेंगे. 1500x में बैक्टीरिया दिखेगा आपको, है ना, 1500x. और 50,000x पर बैक्टीरिया विथ फ्लैजेला कैन बी सीन. 1 लाख टू 1 लाख 50,000, 1 लाख से 1 लाख 50,000 मैग्निफिकेशन पे आपको वायरस दिखने लगेगा. वायरस में यहाँ पे एक स्पेशल नाम दिया हुआ है टेक्स्ट बुक में, एडिनो वायरस मिल गया. एडिनो वायरस अटैचेस टू द रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड कॉजेस रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस. उसके बाद जो है हम पूरे चैप्टर में हेडिंग्स कितने हैं, 6 हेडिंग्स हैं, वो सारे हेडिंग्स के नाम लिखे. और उसके बाद ये शॉर्ट फॉर्म्स, एब्रीवेटेड फॉर्म्स सारे लिख चुके हैं. सो बहुत सारी चीज़ें याद रखने की हैं आज के क्लास के, वो सारे चीज़ें याद रखना है. We will meet in our next class with the topic microbes in household product. Ye topic hum next class mein padhenge. We will stop here. Thank you.